आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं। माई यूट्यूब फैमिली, ठंड 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 ठंड, बहुत ठंड है सियालकोट में, बहुत ठंड है जी, बहुत ठंड है सियालकोट में। सियालकोट में इस टाइम 9 टेम्परेचर है, सुबह के इस टाइम 7 बज रहे हैं और बहुत ठंड है। बस मैं यही कहूँगा, बहुत ठंड है। आप मेरी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियालकोट में कितनी ठंड है। ये फिल्टर को क्या हो रहा है। हाँ, तो आज हम जो व्लॉग बना रहे हैं वो आज ठंड के हवाले से बनाएंगे, क्योंकि आज हम एक जगह विज़िट के लिए जा रहे हैं, उसको हम चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े ही दिन के बाद हम एक फैमिली का प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, आउटिंग पे निकलेंगे और उसके लिए ही हम एक जगह को विज़िट करने लगे हैं और वहाँ पे कुछ मामलात हैं, उनको हम जाके सेटल करेंगे और फिर चलते हैं, सफ़र स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कितनी ठंड में आपको आने के जाने लगे हमें? बात ये है कि दिसंबर चल रहा है, ठीक है, और सर्दी की बहुत शिद्दत है। हाँ जी। और साथ साथ क्योंकि हम एजुकेशन के शोबे से वापस हैं जी, छुट्टियाँ भी चल रही हैं। हाँ जी। तो गर्मियों की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टियों में हम ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि फैमिली को एंजॉय करवाएं। ठीक। तो आज हम जो व्लॉग बनाने जा रहे हैं, हाँ जी, इसका मतलब एक डिसीजन हम करने जा रहे हैं, उसमें अपने नाज़रीन को साथ शामिल करना है। तो एक स्पॉट हमने देन में एक आइडिया उसका सोचा है कि वहाँ हम अपनी पूरी फैमिली के लोगों को लेके जाएं। फैमिली से मुराद दिया कि हमारा जो अपना पर्सनल घर है वो नहीं, बल्कि ख़ानदान के तमाम लोगों को हमने एक व्हाट्सअप मैसेज किया है और उनको बोला है कि हमारे साथ चलें। और हैदराबाद में हमें एक जगह का चुनाव किया है, तो आज आपको भी हम साथ लेके चलते हैं वहाँ पर। तो बड़ी खूबसूरत जगह है, तो वहाँ पर आपने हमें सजेस्ट करना है कि क्या हमें फैमिली को वहाँ लेके आना चाहिए और एंजॉय करवाना चाहिए। तो अभी मैं निकलते हैं और नाज़रीन को साथ साथ दिखाते हैं। ठीक। नहीं यार, मजा फुल मजे ले भी अमरूद भी आ गया जो है वो देना। ये सुनकर हम ढले वाली पहुंचे हैं, बराले की तरफ हम जाएंगे और डलेवाली हम पहुँचे। और ये देखें जरा मार्केट, देखें जरा डलेवाली की मार्केट। नहीं मजा तकलीफ का कभी खानी चाहिए, पहले अमरूद खाएं फिर किन्नू खाएं। और
हम डले वाली बाजार में है और यहाँ से हमने कुछ फूल खरीदे जो कि जिस जगह पे हम जाएंगे वहाँ पे बैठ के हम फिर खाएंगे। अभी तो मैं अमरूद इंजॉय कर रहा हूँ। गुजरात रोड पहले हमने पुल क्रॉस किया, पुल क्रॉस करके गुजरात रोड पे आए और अब ये ठोकर की तरफ हम ये जाने लगे हैं। और ये ठोकर का एरिया जो है बड़ा खूबसूरत है। ये बेसिकली एक एम्बैंकमेंट है, मिट्टी का बना हुआ एक बंद है जो कि दरिया के पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इसके ऊपर ये साइड पे इसकी हिफाजत के लिए पत्थर वगैरह जो है सेट किए गए हैं और राइट लेफ्ट मुकम्मल जंगल है। मुकम्मल जंगल हमें नजर आता है ये राइट लेफ्ट पे और उसके नीचे निशेबी इलाका है। राइट पे भी लेफ्ट पे भी जब दरिया इन फुल स्विंग होता है, फ्लड सिचुएशन में होता है, तो उसमें पानी जो है ना वो ओवरफ्लो होके ये राइट और लेफ्ट की जो निशेबी इलाके में नजर आ रहे हैं इनमें भी आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मछली के शिकार के लिए जो है ना ये झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब पानी उतरता है तो यहाँ पे झील की शक्ल में पानी होता है राइट लेफ्ट, और राइट पे तो काफ़ी अर्सा तक रहता है। सर्दियाँ शुरू होने से पहले तब यहाँ पे लोग मच्छी का शिकार करते हैं और जो इसका लेफ्ट साइड है इस तरफ का उसमें लोग फिर खेती बाड़ी करते हैं। जी ये थोड़ा सा इशू आया है। इशू ये है कि वो बल्कि हम बाबा से पूछे बसे को चेक कर रहे हैं कि आप बसें यहाँ से गुजरेंगी, तो क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें बसें वहाँ पे रोकनी पड़ी थी और अपना प्रोग्राम छोड़ना पड़ गया था ठोकर पे जाने का, तो ये बस यहाँ से गुजरी जाएगी। क्यों मतलब यही हालात आगे ठीक है, चलो अल्लाह हैर करेगा ले आएंगे। यहाँ से गुजर जाएगी जी है जिसकी है। नहीं जिस बस वाला नाम माने उस वक्त मानेगा यार, क्यों नहीं मानेगी, यहाँ से गुजर जाए उसने। आप खामोशी चेक करें, छोड़ सारी बात। इसकी खूबसूरती और इसका जो चाम है और दिलकशी है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एक खूक आलम है, एक खामोशी है और परिंदों की मुख्तलिफ परिंदों की जो ना चहचहाट और डिफरेंट किस्म की आवाजें हमें सुनाई देती है। अच्छा भाई ने एक दोहरा मैं और इब्राहिम इस रास्ते पे यार बहुत अच्छा। हम जब सुबह नमाज के टाइम इधर थे, गर्मियों का अंधेरा था भी, हमने सूरज निकलता हुआ देखना था, वाह उसको पिक करना था, उसकी लेना था। जब हम वापस आए ना भाई ने हमने वो जानवर देखे इस रास्ते पे, क्या वैसे वो जानवर देखे हुए इधर, वो यकीन है वो सुबह के टाइम ही निकलते हैं। वो सुबह जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग देखते हैं कि सुबह की जो शहरों के अंदर लोगों का आना जाना होता है और जो लोग आपको स्कूल के बच्चे नजर आते हैं, काम पे जाने वाले मजदूर नजर आते हैं, सुबह सुबह ही नजर आ सकते थे, फैक्ट्रियों में जाने वाले लोग नजर आते हैं। इसी तरह ये जो महलूक है जो अल्लाह तला की, उस दिन भी हमने बड़ी दौड़ लगाई, परिंदे शामिल है, जानवर शामिल है जिनमें जंगली जानवर शामिल है, इनका भी अपनी एक टाइमिंग है सुबह उठने की और शाम को घरों में वापस जाने का। मैदान हुआ करता था तो इसको पूरे पार्क की शक्ल दे दिया इन्होंने और बड़ा खूबसूरत बना दिया। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं कि यहाँ मस्जिद भी मौजूद है, यहाँ पे हैंडपम्प भी मौजूद है, यहाँ पे वाशरूम भी मौजूद है। तो अगर यहाँ पे हम फैमिली को लेके आते हैं ये सारा दिखाएँ, ज़रा देखिए कितना खूबसूरत सीट्स भी लगी हुई हैं और ये बड़ा खूबसूरत पार्क की शक्ल जो है उसको दी हुई है। और ये स्पेशली विजिटर्स के लिए जो यहाँ पर आते हैं उसके लिए हमारे जो रेंजर्स है और पाक आर्मी है उन्होंने सारा सिस्टम किया है। और ये यकीनन आप नाज़रीन आपको जगह बड़ी पसंद आएगी। तो हमारा प्लान ये है कि हेडक्वार्टर जो है ना इस जगह को बनाया जाए, वहाँ दरमियान में जाके वहाँ पे दरियाँ वगैरह बिछा दी जाए, सामान जो है अपना सारे का सारा हेडक्वार्टर के तौर पर यहाँ रख दिया जाए, सारी फैमिलीज बसों के ज़रिए से जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की है वहाँ पर पार्क करें और फिर पूरी फैमिली जो है ना वो
تو یہ تقریباً ہو جائیں گے 100 کے قریب لوگ, 100 پلس ہوں گے. پانی یہاں سے چند دن پہلے یقیناً اوپر آ کے اترا ہے یار, کتنی خوبصورت چلا گیا. تو ساتھ اپنے وہ مٹی اور جو بھی چیزیں لے کے آئے, تو یہ خشک ہونے کی وجہ سے اب اس میں, لیکن خوبصورت لگ رہا ہے, یہ بہت پیارا لگ رہا ہے, بڑی خوبصورت چیز ہے. نیچرل چیز ہے, ہم تو گھروں میں ڈیزائن کرواتے ہیں, فیکٹریز کی بیک گراؤنڈ سٹائل دیتے ہیں, قدرتی طور پہ یہ ڈیزائننگ جو ہے نا یہ بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں جی, ہر طرف یہ سٹائل ہے. یہ انڈیا, یہ دیکھیں جی, واہ. یہ اب انڈیا والے بتا سکتے ہیں کہ یہ روپیز لکھا ہوگا, اور یہ 10 یار, یہ دیکھیں تو صحیح, یہ بڑی ہم سے اٹلی کا ٹریول کر کے آیا ہے یار. یہ دیکھیں انڈیا ایکسل یونیلیور کا یہ. اچھا یہ ذرا پڑھتے ہیں ادھر سے, کیا آپ صاف کر کے دیں بھائی, آپ صاف کر کے دیں ذرا, مجھے صاف کرواتے ہیں, پڑھ کے بتائیں کہ یہ کدھر سے ہے, پانی میں واش کر کے. ملی ہیں اور یہ ہے, یہ تو آپ کے پاس اتنا کیا لکھا ہوا ہے, اور یہ لکھا ہوا ہے پروڈکٹ آف انڈیا. ہاں پروڈکٹ آف انڈیا, مسالے ہیں یہ یار, بڑی قیمتی چیز ہے. کلاش برانڈ مسالہ, برانڈ مسالے, اب وے ٹو یوز, 100 گرام ہے یہ. کرتارپور راہداری کھلی ہے, تو کوئی ایسی راہداری کھلے کہ ادھر کے کشمیری ادھر کے کشمیری, یہ مجھے دیکھ کے یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک خون جو ہے نا کھول رہا ہے اور جوش مار رہا ہے کہ میں کس طرح سے پانی کراس کرتا ہوا اپنے آباؤ اجداد کے علاقے میں جاؤں, اخنور جاؤں, جموں نواں شہر جاؤں, لیکن مجبوری ہے, ان چیزوں کے لیے مجبوری نہیں ہے. یہ پانی کے ذریعے تیر کے یہاں تک آ سکتی ہیں, لیکن انسانوں کے لیے مجبوری ہے کہ یہ بغیر پاسپورٹ کے اور دونوں حکومتوں کی اجازتوں کے بغیر نہیں جا سکتے. لیکن انشاءاللہ امن کا وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا, اور وہ وقت وہ ہوگا کہ جب ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر جائیں گے. یہ دیکھیں جی, ڈھونڈ کے لا رہے ہیں جی, یہ شائن ایکسٹرا چیز ہے, یہ شائن ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے جی, یہ بھی انڈیا سے ہی ہے, انڈیا ہی, وہ ہندی لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر, شائن ڈٹرجنٹ پاؤڈر. تو اللہ کرے کوئی ایسا ڈٹرجنٹ آئے کہ جو دلوں کی کدورتیں ہیں وہ دھو دے. اور وہ بشرا خان نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا تھا کہ کبوت چڑیوں کو کیوں نہیں نکلوانا پڑتا, کبوت چڑیوں کے لیے ضروری نہیں ہے, انسانوں کے لیے ضروری ہے. تو ایسا ہو جائے کچھ کہ ہمارے لیے بھی یہ جو بندش ہے وہ ختم ہو جائے, اور ہم بھی آسانی سے اپنے اس جو گھر ہے ہمارا, دوسرا ہمارے آباؤ اجداد کی قبریں ادھر ہیں, نہیں پہلا گھر ہمارا, جی 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 جی, آباؤ اجداد کی قبریں ادھر ہیں, اور ہم بھی جائیں جا کے وہاں پہ زیارت کریں. اور یہ شائن ڈٹرجنٹ کی طرح کا کوئی ایسا ڈٹرجنٹ آ جائے جو پاکستانی گورنمنٹ اور ہندوستانی گورنمنٹ کے درمیان جو کدورتیں ہیں ان کو دھو دے, ان کے دلوں کو صاف کر دے, ان کے درمیان محبتیں پیدا کر دے, اور یہ جو ایریا جموں اور کشمیر کا ایریا ہے اس کو اتنی آزادی مل جائے کہ ادھر کے اور ادھر کے لوگ جو بچھڑے ہوئے ہیں وہ آپس میں مل سکیں, وہ آسانی کے ساتھ ادھر سے ادھر جا سکیں, اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور ہوگی. ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں جگہوں کو, ایک تو وہ ٹھوکر کے اوپر جو گرین بنا ہوا ہے, پارک بنا ہوا ہے, اس کو ہم یوز کریں گے, اور اس کے بعد اس کے باہر ہم نے جو جگہ چوائس کی وہ بھی جگہ چوز کریں گے, اور تیسرا جو ہمارا پڑاؤ ہوگا وہ اس جگہ پہ ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے کا پورا یہ ایریا جو ہے نا, بڑا خوبصورت, بڑا صاف ستھرا, درائے چناب کے بالکل اوپر, اور اس کا ہم چناؤ کریں گے. یہاں پہ ہم اسٹال سینٹر میں لگائیں گے, اور کچھ اسٹال یہاں پہ لگائیں گے, اور اس کے بعد یہاں فیملی کے
لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے اسپورٹس کے مقابلے بھی ہم نے ارینج کیے ہوئے ہیں. ہاں جی, تو ہمارے واپس جانے کا ٹائم ہو گیا, اب ہم گھر جائیں گے اور ارینجمنٹ کریں گے پروگرامس کے. تو آج کا ولاگ یہاں ہی پہ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ اسی کے دوسرے پارٹ کے ساتھ ہم آئیں گے, جو کہ ہم باقاعدہ پروگرام کریں گے یہاں پہ آ کے. تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. تھینکس ا لاٹ.